हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी ताबड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज की वीडियो में अपन लंबवृत्तीय जो बेलन होता है उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या उसमें अपने को नीड होती है और किस तरह से अपने जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरी बात? तो अपन स्टार्ट करते हैं लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी बेलन। सिलेंडर की बात हुई है, आप देखिए सिलेंडर की अपन शेप सभी जानते हैं कि अच्छे से किस तरह से अपनी बनी हुई होती है। ये अपना मान लो कोई सिलेंडर है जिसका शेप इस तरह से फॉर्मेशन है, ठीक है, सिलेंडर का फॉर्म है ये। अब देखिए इसके अंदर किस तरह से अपन राइट सर्कुलर को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए अपन एक इसका डायग्राम बनाते हैं, उससे इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए डायग्राम के अंदर अपन देखेंगे, ये मान लो ये वो लाइन है जिसके चारों तरफ अपन जो लंबवर्तीय शंकु है उसका फॉर्मेशन करने वाले हैं। ये इसकी रेडियस होती है, अपन सभी जानते हैं। यहाँ से मान लो सेंटर से देखते हैं तो ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए मान लो, ये एम मान लो, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट दूसरा देखते हैं पी, ठीक है, ए एम पी। इस तरह से अपना जो त्रिभुज है वो यहाँ पे निर्माण होता है। इस पी बिंदु का बिंदुपद जो है वो एक लंबवृत्ति शंकु की फॉर्म में अपने को निकालना है, तो उसके लिए अपने पास में क्या इक्वेशन बनती है उसको अपन देखते हैं। तो ये क्या होता है, अपना आर होता है, ये पर्टिकुलर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से अपने को फाइंड आउट करना होता है, जिस पॉइंट के चारों तरफ क्या होती है, अपनी एक लाइन दी हुई होती है, उस लाइन के चारों तरफ क्या होती है उसका बिंदुपद जो है वो अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन है, सबसे पहले तो उस एक्स का समीकरण लेते हैं, एक जो बिंदु होती है उसका समीकरण अपने लेते हैं। अपने पास में यहाँ पर दो चीज़ें तो गिवन रहती है, ये जो P मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो P अलग से पॉइंट जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो P क्या होता है, जो अपन इसकी परिधि पर जो P ले रहे हैं, सॉरी मैंने डायग्राम थोड़ा उल्टा बना दिया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट पी यहाँ ना होके यहाँ होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास में गिवन होगा अल्फा बीटा गामा, और ये जो परिधि पर, इस बेलन की परिधि पर जो अपन यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं उसको अपन ले लेंगे, उसके कोफिशिएंट ले लेंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। और ये जो आपको एक्स दिख रही है, इस एक्स का समीकरण अपने पास में गिवन होगा एक्स माइनस एल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एल एम, जेड माइनस गामा बाई एल। क्योंकि ये जो अपन ने p पॉइंट लिया है अल्फा बीटा गामा वाला, ये कहाँ पर स्थित है, इस x पर ही तो स्थित है, तो इस x का समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से अपने पास लिखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? इस तरह से अपने पास में एक x गिवन होगी और एक क्या गिवन होगा, अपने पास में ये वैल्यू गिवन होगा। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इस पॉइंट ए जो है उसका बिंदुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन जो ट्राइंगल के रूल वाला फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है वो अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अपन सभी जानते हैं, यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये तो क्या है, मेरा आर है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो है, पहले अपने को यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, अपने को लेंथ निकालनी है, ठीक है। यानी अपने पास आएगा ए पी स्क्वायर इजिकल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगा। अब देखिए ए पी स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये रहेगा। ए एम का वैल्यू कितना है, आर, तो आर स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस पी एम, ये जो पी एम होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो अपन लंब की लंबाई वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो देखिए किस तरह से निकलेगा, इसका वैल्यू होगा, मैं नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा बड़ा वैल्यू इसलिए, एल एक्स माइनस एल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा बाई रूट
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन, जो लंबाई होती है ये वाली लंबाई, वो अपन इस तरह से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इस लाइन की हेल्प से। ये लाइन की कोफिशियंट है, इस लाइन पर ये अगर अपन लंब एक तरह से देखा जाए तो लंबी ही तो है, तो लंब की लंबाई अगर अपने को देखनी होती है तो अपन इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं यही इक्वेशन अपने क्या होगी, लंबवर्तीय शंकु, सॉरी लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, उसकी इक्वेशन को निकालने में हेल्प करेगी। क्लियर है मेरी बात। अब देखो इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं अच्छे से। एग्जांपल में अपने पास में एक पॉइंट गिवन होगा और एक जो है वो अपने को लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, और उन दोनों की हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अपने पास गिवन है, एक अपने पास पॉइंट गिवन है और एक अपने पास लाइन गिवन है, ठीक है। लिख लेती हूँ मैं, जो एक्स एक्स जो अपने पास दे रखी है उसका समीकरण है एक्स माइनस टू बाई वन, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस टू बाई टू ही है, वाई माइनस वन बाई थ्री और जेड बाई टू, ठीक है। इस तरह से अपने पास में गिवन है, वन यहाँ है, यहाँ पर थ्री है, ठीक है। ये अपने पास में क्या दी हुई है, उस बेलन की अक्ष का समीकरण जो है वो अपने पास गिवन है, और एक जो एल्फा बीटा गामा जिसको अपन मानते हैं वो पॉइंट अपने पास में क्या गिवन है, वो पॉइंट यहाँ पर गिवन है जीरो जीरो वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं पहले अपन जो अपना फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, अभी अपन ने जिस डायग्राम बनाया था उसी अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। ए एम पी, अब यहां पर देखिए अपने पास में ये जो एम है वो तो कितना गिवन है, जीरो जीरो वन, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये भी ब्लू जीरो जीरो वन ये हो जाएगा, और जो दूसरा M बिंदु है, M वाला पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा, M वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से निकलेगा इस लाइन से, ठीक है। तो इस लाइन से अपना कितना निकलेगा, ये तो अपना R हो जाएगा, ये अपना निकलेगा टू वन और ज़ीरो, देखिए यहाँ से टू वन ज़ीरो अल्फा बीटा गामा अपन ने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, कैसे अपन ने फॉर्मूला देखा ही था, आर का मान निकालेंगे तभी तो अपन जो अपनी अक्ष एक्सिस होगी उस जो अपना बेलन के लिए इक्वेशन होगा लंबवर्ती शंकु का उसको अपन क्या कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे। ये जो पॉइंट है इसकी हेल्प से अपन पहले आर का मान निकालेंगे, फिर इस पॉइंट को क्या लिख देंगे, दोबारा जब अपन लंबवर्ती शंकु का जब एक जो अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तब अपन इस बिंदु की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स वाई और जेड पुट कर देंगे, क्योंकि अपने को उस टाइम में क्या निकालना होगा, बिंदु पथ निकालना होगा। ये तो अभी तो क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, तब अपन आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन है वो अपन ने देखा ही था, क्या देखा था, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो देखो लिख लेते हैं, ए एम स्क्वायर क्या बनेगा, ए एम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा के निकलेंगे अपन, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए पी स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर, और ये अपन ने वैल्यू देखी थी एल एम एन एल एक्स माइनस एल्फा, यानी ये इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, जब आएगा नहीं तो L का वैल्यू है अपना 2x माइनस एल्फा, तो वही x माइनस एल्फा इन दोनों का जो अपना वैल्यूज़ है वो चलता रहता है, यही सेम 0 माइनस 2 प्लस 1 डॉट 0 माइनस 1 प्लस 3 डॉट 1 माइनस 0 बाई रूट
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है, तो टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू है अपने पास। अब थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू बनी 4 1 1, तो ये बनी 6, ठीक है, इधर बन गया 6, और बराबर में है आर स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू अपने पास में बनी माइनस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 3, माइनस का 4 माइनस का 1 तो यहाँ पे बचा माइनस का 2, और अपॉन में तो ये वैल्यू है वो आएगी 4 4 प्लस 1 5 और 9, कितना आ जाएगा 5 और 9 14, ठीक है, और इस पर क्या रहेगा अपना रूट रहेगा, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो जब खोलेंगे तो 6 इक्वल आर स्क्वायर प्लस, ये जो वैल्यू है ये बनेगा 4 बाई 14। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अपन आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बाई 14, तो इसको सॉल्व करके अपन आंसर निकालेंगे, तो इसको जब सॉल्व किया तो अपना जो आंसर है वो बनेगा 40 बाई 7, यानी देखो कैसे 14 आया एलसीएम, 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, 84 माइनस 4 तो आया 80 बाई 14, और इसको थोड़ा सा काट लेते हैं तो ये बन जाएगा 40 बाई 7, 80 बाई 14 आया, तो ये क्या बन जाएगा 2 से कट के 40 बाई 7 है, वो उस इक्वेशन में चाहिए होगी। अब अपन क्या करेंगे, यही पूरी सेम वैल्यू रहेगी, सेम टू सेम, अब जब लंबवर्ती शंकु के बिंदुपद की बात आएगी तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे एक्स वाई और जेड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स वाई जेड कर देंगे, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं, अब आगे करते हैं इसको, तो अब ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी आर स्क्वायर अपने पास आ गया, सेम जो है अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बन गया इधर प्लस r स्क्वायर, r इक्वल में होता है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना है 40 बाई 7, प्लस ये जो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है 2 डॉट यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 डॉट y माइनस 1 प्लस 3 डॉट जेड माइनस 0 बाई रूट में, जो ये वैल्यू आएगी वो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला अपन ने इसको यूज़ किया है और अपन ने यहाँ पर निकाला है, तो देखिए अब जो अपना वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं वैल्यूज़ को खोल के, जब इसको सरल करेंगे तो अपने पास वैल्यूज देखिए क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी यहाँ पर आएगी 4x प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इधर तो ये आ गया, इधर हो गया 40 बाई 7, प्लस ये जो वैल्यू है ये आएगी नीचे तो 14 ही आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस y माइनस 1 प्लस 3z और इसका होल स्क्वायर, जब इसको अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास एक द्विघातीय इक्वेशन बनेगी और वही क्या होगी अपनी लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण अपने पास से आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आएगा टेन एक्स स्क्वायर प्लस 13 वाई स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 12zx माइनस 4xy माइनस 36x माइनस 18y, ये पूरी इसको इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तब अपने पास ये वैल्यू
बनेगी, ठीक है। और यही क्या होगी, अपने लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा।